लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो झुंझुन वाला शेड उस जगह पे पैसा लगा रहा है? नहीं लगाएगा। वो क्यों? आज रात हम लोग उसका ऐसा झुंझुना बजाएंगे कि वो कल से नजर ही नहीं आएगा। ऐसे बेवकत भजन लग गया। ठीक है, कमाल है। अरे क्या हो रहा है भाया? झुंझुनाना सेठ। अरे कौन है भाई? झुंझुनाना सेठ। नहीं अरे क्या हो रहा है भाया? मैं यहाँ हूँ। यहाँ बैठो। मेरा नाम धनी राम है। तुम मेरी जमीन पर टावर बना रहे हो? अगर टावर बनाओगे मैं रात को आऊंगा, दांतों से तुम्हारा गला चबाकर खा जाऊंगा। उठो उठो भागो। चाचा जी, सेठ की हालत खराब हो गई है। उसकी कमीज गीली हो गई है और धोती पीली हो गई है और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मैं प्रोजेक्ट में पैसों नहीं लगाऊंगा, 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 नहीं लगाऊंगा। वो फाइनेंसर तो भाग गया। अरे भैया पैसा कौन लगाएगा? पैसा कौन लगाएगा क्या मतलब? पैसा मल्होत्रा जी लगाएंगे। ओए काका, पैसा लगाने से मैं भला कब इनकार कर रहा हूँ, लेकिन एग्रीमेंट बनाने से पहले ये तो बता देना था कि तुम्हारा बाप मरने के बाद भूत बन के आ जाएगा। और भूत की जमीन पे कौन पैसा लगाएगा? मेरा वो फाइनेंसर चुन चुन वाला भी भूत के डर से भाग गया। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। अब ये बताओ कि आगे क्या करना है। ठीक है, मैं 2 करोड़ रुपया दे दूंगा। सिर्फ 2 करोड़? मल्होत्रा जी, जब आप ये बंगला देखने आए थे तो बात 5 करोड़ की हुई थी। ये बाकी के 3 करोड़ कहां से आएंगे? हम लोग मिलके कई बार से उधार ले लेंगे, समझा? हम लोगों को नहीं मिस्टर मल्होत्रा, सिर्फ आपको। जमीन हमारी होगी और पैसा आपका होगा, यही वादा हुआ था। और अगर मल्होत्रा जी आपने ये वादा पूरा नहीं किया तो हमें मजबूरन इस जमीन का सौदा किसी और पार्टी के साथ करना होगा। प्रिया जी, 35 नंबर 2, तुम जाके मल्होत्रा से कहो कि तुम्हारा एक बहुत पुराना आशिक है और वो तुम्हारी एक अदा पे 3 करोड़ रुपया पानी की तरह बहा सकता है। कौन है ये? है बोला फ्रांस का एक बहुत बड़ा रईस जिसका नाम है मिस्टर मित्रों। क्या मतलब? आप मुझे एक दिन में 3 करोड़ रुपया दिलवा सकती हैं? मिस्टर मल्होत्रा, आपने अभी तक प्रिया को पहचाना ही नहीं। प्रिया ने प्रेम का पूरा चिड़ियाघर बना रखा है जिसमें अलग अलग किस्म के जानवर फांस रखे हैं, जिसकी जब जरूरत होती है इस्तेमाल कर लेती हूँ। मतलब प्रिया जी, आप तो कमाल की चीज है। हम लोग मिलकर। मिस्टर मल्होत्रा, ये प्रिया बहुत महंगी चिड़िया है, मोती के दाने खाती है और सोने के निवाले चबाती है। तो आप 3 करोड़ दिलाने की बात कर रही थी? हाँ दिला सकती हूँ। है मेरा एक चाहने वाला जो मेरी एक अदा पर लाखों उड़ाता है। लेकिन आपको मेरा कमीशन भी देना होगा। अरे पैन जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हर मुनाफे में बराबर के हकदार हैं। ठीक है, तो कल आप अपने पार्टनर को लेकर मेरे साथ चलिए। हे 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 हे
Hello, Rina darling. Very excited to see you. Mr. Mitra, ये है मेरे दोस्त Mr. Malhotra and Mr. Govindra. Hello. Well, हम क्या मदद कर सकता है आप गोलों का? लोगों का. Sorry, you know my language problem. सर, दरअसल बात यह है कि yes? मैं अपना पुराना बंगला तोड़कर उस पर एक आलीशान मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ. सर, उसके लिए मुझे 3 करोड़ रुपए की जरूरत है. ओनली 3 करोड़? बट मैन, तुम हमारा गर्लफ्रेंड का साथ में आए और 3 करोड़ मांगता है? मैन, हम इसका एक उसको ऊपर, व्हाट इज दैट वर्ड? अदा. या, इसका एक अदा को ऊपर 300 करोड़ रुपया एक साथ फेंक दिया था. खराब होता है. व्हाट आर यू डूइंग? तो हमें 3 करोड़ मिल जाएंगे ना जी? डेफिनेटली. कैसे नहीं मिलेगा? माय गर्लफ्रेंड, वो बिजनेस का तोरा उसूल होता है, उसको पूरा करो एंड टेक एज मच मनी एज यू वांट. कुछ तोरा गारंटी दो और पैसे लो. सर, मेरे पास एक फैक्ट्री है लेकिन वो अभी बंद है. वो फैक्ट्री तुम्हारा अपना है? जी हाँ. जी नहीं, वो जी. व्हाट मैन, क्या करता है? कभी बोलता जी हाँ, कभी बोलता जी नहीं. डिसाइड व्हाट यू वांट टू से. सर, दरअसल बात है कि वो फैक्ट्री मेरे पिताजी की है लेकिन मेरे पिताजी दुनिया में नहीं रहे. हाँ, तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है. तुम्हारा बाप गया, साथ में तुम्हारा दिमाग भी गया. तो जाना ही है जी. तुम भी जाएगा एक दिन. वेल, अभी हम तुमको एक फंटेस्टिक आइडिया देते हैं. वो मॉर्निंग को लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? तुम एक अखबार के अंदर पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट दे पब्लिक का नाम को ऊपर कि सस्ता सस्ता फ्लैट पब्लिक का वास्ते मिट्टी का भाव का अंदर. जो लेगा वो फायदा उठाएगा, जो नहीं लेगा वो भूखा रह जाएगा. ओ मैन, ये एडवर्टीजमेंट भरेगा, पब्लिक दीवाना हो जाएगा. लोग धन धन पैसा लाके देगा, पैसा पैसा पैसा, ऐसा पाइल अप हो जाएगा, जमा हो जाएगा. एंड कलेक्ट दैट मनी एंड मेक द टावर विद दैट मनी. मेट्रो साहब, आपके दिमाग की तो दाद देनी चाहिए. ये पांव के जैसा हाथ है. ये हमारा आइडिया नहीं है. हम फ्रॉड बेईमान आदमी को देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग के अंदर ऐसा आइडिया आता है. ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं. ये तो वही बात हुई कि ना हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा. लीजिए साहब 20,000 रुपया. ये भी फुल हो गया. थैंक यू वेरी मच. ये मेरा भी लीजिए. सॉरी भाई साहब, अब एक भी फ्लैट नहीं. देखो भाइयों, सारे फ्लैट बुक हो चुके हैं, कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, इसलिए आप लोग आप जा सकते हैं. मेरी सॉरी. सॉरी भाइयों, एक भी फ्लैट खाली नहीं है. हाँ जी, तो कैशियर साहब, कितना पैसा इकट्ठा हो गया? जी, ड्राफ्ट चेक और कैश मिला के कुल 2.5 करोड़ रुपए. 2.5 करोड़? वाह, मित्रों साहब ने भी क्या आइडिया दिया है. हमें 2 करोड़ चाहिए था, 2.5 करोड़ आ गया है. गोविंद राम, ये चेक और ड्राफ्ट बैंक में जमा करा देते हैं, जैसे ये सब कैश हो जाएगा अपनी बिल्डिंग पे काम शुरू कर देंगे. तो पब्लिक से उन्होंने फ्लैटों के एडवांस ले लिए? जी हाँ. और 2.5 करोड़ रुपए जमा हुए, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने सीमेंट वाले को, कॉन्ट्रैक्टर को और स्टील वाले को दे दिए. इसका मतलब मल्होत्रा और गोविंद के पास इस वक्त पूरा पैसा हाथ में नहीं है. लगता तो कुछ ऐसा ही है. अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, यहाँ से इनकी बर्बादी शुरू. तुम एक काम करो, फौरन अखबार में इश्तेहार दो कि मैग्नम टावर के सामने एक नया टावर बन रहा है, नई कॉलोनी बन रही है बजरंग कॉलोनी, और वहाँ के फ्लैट मैग्नम टावर के मुकाबले में आधे दाम में बिक रहे हैं. लेकिन बजरंग कॉलोनी बनाएगा? अरे हम लोग बना रहे हैं यार. ओहो, और जब लोग वो इश्तेहार पढ़ेंगे और उन्हें पता चलेगा कि आधे दाम में फ्लैट मिल रहे हैं तो वो तो अपना पैसा वापस लेने जाएंगे. हाँ, मल्होत्रा स्पीकिंग. मल्होत्रा जी, आपने सुबह का अखबार पढ़ा? जिस किसी भी आदमी ने ये इश्तेहार दिया है, इसकी या तो हमसे कोई बहुत पुरानी दुश्मनी है या मुझे कोई पागल लगता है. पागल? अरे हाँ हाँ, पागल. कोई भी समझदार आदमी, होशमंद आदमी इतने सस्ते सस्ते फ्लैट बेच के खुद को इतने नुकसान में क्यों डालना चाहेगा? मैं तो कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे काम करके कोई फायदा ही नहीं है.
पब्लिक का पैसा वापस करना ही पड़ेगा। अरे यार क्या गधों जैसी बात कर रहे हो, कहां से पैसे वापस लौटा देंगे है? तुम्हारे सामने तो कल लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए, सीमेंट के लिए पैसे दिए, आर्किटेक्ट को पैसे दिए, स्टील के लिए पैसे दिए, पैसे है का जो वापस लौटा देंगे है? लेकिन मल्होत्रा जी, कौन उल्लू का पट्टा हमारे टावर में से फ्लैट खरीदेगा? बजरंग कॉलोनी के अंदर आधे दामों पर फ्लैट बिक रहे हैं, हमारे फ्लैट कौन खरीदेगा? हेलो, मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ, साहब को दीजिए जल्दी जल्दी प्लीज। ऑफिस से कैशियर का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। मल्होत्रा जी आप एक मिनट होल्ड करो। हेलो सर, सर आप जल्दी ऑफिस आ जाइए सर, सर यहाँ हजारों लोगों की भीड़ लग गई है सर, सब अपना अपना पैसा वापस मांग रहे हैं सर। अरे बाप रे, आखिर वही होना जिसका डर था। अरे तुम उनको वहीं पर रोको, मैं 5 मिनट में मल्होत्रा को लेकर आता हूँ। सर आप ऑफिस आ जाइए वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। अरे आता हूँ ना, फोन नीचे रखो। आप शांति रखिए, वो आ रहे हैं। सुना आपने, सब लोग ऑफिस में जमा हो गए हैं, अपने अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। आप सबसे पहले काम कीजिए, फौरन ऑफिस में आ जाइए। ठीक है मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। ओए गोविंद राम, ना तो पैसे मैं तुझे दूंगा ना जनता को। परसों पहले जो चाल तेरे बाप के साथ चली थी वही चलूंगा।